सभी भाइयों को राम राम, सुप्रभात। भाइयों, आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आया था। आज स्कूल बस निकल गई थी इनकी और मैं अपनी गाड़ी से बच्चों को छोड़ने के लिए आया था। ये सामने इनका स्कूल है। भाइयों, यहाँ पे एक नई चीज़, नई तो नहीं कह सकते पर एक जुगाड़ कह लो या दिमाग कह लो, आप देख सकते हैं कि कोई भी काम अगर टेक्निक से करा जाए तो वो काम आसान और जल्दी होता है। आप सामने देख रहे होंगे, ये ट्रैक्टर पे बना हुआ एक छोटा सा बैक लोडर है जो कि रेत की ढुलाई कर रहा और रेत की भराइये कर रहा। आपने देखा होगा कि फावड़े से इसको भरते हैं तो टाइम लगता है, लेबर लगती है। अब इस काम को ऐसे करेंगे तो आप ये देख लो कि किस तरीके से ये जो है आराम से इसको भरेगा। और ये देखो, ये महिंद्रा ट्रैक्टर पे बना हुआ एक छोटा सा बैक लोडर है और ये देख लो, एक बार में कम डेढ़ दो कुंटल, डेढ़ कुंटल के आसपास माल भरा है ये। और आप ये देख लो कितने गजब तरीके से जो है इसको, ये बहुत बढ़िया, ये देख लो। तो भाइयों, मैं भाई से पूछेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, कितने में ये बना, कितना इसका आराम है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार अच्छे से, ये देख लो आप किस तरीके से भरेगा इसको। अब देखो, ये इसको ले कर चलेगा, ये कितने गजब तरीके से, मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगा अभी। भाइयों देख लो किस तरीके से ये अपना काम कर रहा, और ट्रैक्टर बिल्कुल स्लो स्पीड पे। और ये दो तरीके के आते हैं, एक तो रहता है सिंपल जिसमें प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर देख लो प्रेशर सिलेंडर लगा हुआ है, ये रहा। इससे हाइड्रोलिक का संबंध नहीं होता, मतलब इसकी हाइड्रोलिक वैसे तो काम नहीं करेगी लेकिन प्रेशर वाला पाइप भी काम करेगा। बस ये देख लो आप, अब आप देखो ये उधर जाके खड़ा होगा, देख लो इसने जो है कितना बढ़िया काम करा। इसने ये भर दिया 10 मिनट के अंदर अंदर, इसने ट्रॉली भर दी। और अगर ये उससे भरा जाता, मजदूर भरते तो बहुत टाइम लगता। अभी हम अंकल जी से पूछेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ, तो बताएंगे। भाइयों देख लो, सामने ट्रैक्टर खड़ा और अंकल जी बैठे ट्रैक्टर पे, इसके बारे में इनसे थोड़ा कुछ पूछेंगे। ट्रैक्टर है महिंद्रा 265 DI। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भैया, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दो पहले। त्यागी से। तो ये आपका ये जो है बिल्डिंग मटेरियल का आपका ही काम है, तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई आपकी जो ट्रैक्टर पे पीछे मशीन लग रही है? ये लेबर मिलती नहीं है, तो लेबर की वजह से जो है देसी जुगाड़ बनाया है। तो जो काम लेबर करे वो ये कर देगी? हाँ, लेबर का बस ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, बाकी जो है सब करती है। सीमेंट की बोरी भी अंदर से गिरवा दे, रखवाते सीमेंट की बोरी इसमें रख के आ जा, और अपना लोडिंग करवा दे सब सामान। अच्छा, तो यो कहाँ से लाए थे, कितने में बना था यो? ये भैया उससे लाए थे खतौली से। एक मिनट आ जाओ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। भाई इसमें जो है प्रेशर का, अंकल जी ये इसमें जो है प्रेशर पाइप लग रहा, इससे हाइड्रोलिक से इसका कोई संबंध नहीं है? नहीं, इससे प्रेशर उससे ये हाइड्रोलिक का कोई नहीं है। तो ये ऐसे आते हैं या ऐसे भी आते हैं जैसे हाइड्रोलिक में लग जाते हैं? मतलब इसमें तो प्रेशर पाइप है, किसी में जो है आपके अंदर, आपने तो इसमें जुगाड़ लगवा रखा। हाँ, ये तो जो कराया है। और अगर किसी के पास ये ना हो तो फिर वो कैसे काम करेगा? फिर हाइड्रोलिक भी चलते हैं इसमें, जो मतलब बिना उसके चलते हैं तो वो भी। अच्छा, वो ये कितने का लाए थे आप? ये 40,000 रुपये का लाए थे। 40 का तो महंगा बता रहे आप, तो सस्ते बता लोग आ जा। इसमें और में कुछ अंतर है, डिफरेंस है जो है इस इंजन में, ये नहीं होता। अच्छा, वो आ रहे हैं सस्ते, 30-30, 25-25 हज़ार। अच्छा, ये कितने वजन तक उठा ले, कितनी क्षमता है इसकी? 3.5 क्विंटल, 3 क्विंटल, 1 क्विंटल ये।
इसकी कुछ गारंटी वारंटी भी है भाई कि ये अच्छा ये क्या चीज़ है ये सब इसका हैंडल है, इसको नीचे डालते तो माल को अनलोड कर देते हैं। अच्छा ये यहाँ से इसमें ये जुगाड़ जो दे रखा है ये यहाँ अटक जा पत्ती। अच्छा अगर आप उसको वहाँ से ऐसे खींचोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये एकदम नीचे है। तो बहुत बढ़िया, तो इससे आराम है मतलब काफ़ी काम करने में? हाँ बहुत ज़्यादा आराम है। तो लेबर की मतलब पहले जैसे आदमी लगे थे? पहले लेबर जो है फावले से भरे थी, अब जैसा आपने अभी वो वहाँ वो ट्रैक्टर खड़ा वो जो आपने ट्रॉली लोड करी वो कितनी देर में कर दी? करीब 6 मिनट में हो जाती है। 6 मिनट में? 6-7 मिनट में, 8 मिनट में। अच्छा तो मतलब लेबर से खर्च कम है इसका? हाँ खर्चा कम है। और मतलब इसके लिए ऐसा तो नहीं कि ट्रैक्टर बड़ा चाहिए या छोटे से भी काम हो जाए? छोटे से भी हो जाता है, बड़े पर तो बड़ी चाहिए, उसमें फिर आगे लग के आता है कंपनी से। ये तो हमने खुद लगवाया था। अच्छा वे जो बड़े लोडर आवे उनकी फिटिंग वहीं से हो क्या करके आनी पड़े? जो आगे से और पीछे दोनों तरफ से काम करें? महिंद्रा वाले भी देते हैं इसके तरफ करा के जो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो एक बात तो बताओ, जैसे मान लिया किसी को ये तो आपने काम के लिए ले रखा अपना रेत है रोडी डस्ट वगैरह के लिए, जैसे आजकल किसान भाई खाद वगैरह भरे तो उसमें भी काम करेगा यो? इससे नहीं, तवे जो साधे वाले जो होते हैं उसके लिए। अच्छा उसमें ये इसकी जरूरत नहीं, उसमें प्रेशर पाइप की? अच्छा वो ही काम कर जाएगा उसमें? तो वो तो इससे कुछ हल्के भी काम कर देंगे तो बहुत भारी है, क्योंकि इसमें वजन का काम ज्यादा है। देखो हैवी तो बनवाना पड़ता है इसलिए काम की वजह से जो है। अच्छा अच्छा चलो तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई अभी आपने देखा, आपको बताया भी कि कहाँ ये किस तरह से काम करता है, कहाँ से ये मिलेगा और इसकी कीमत भी बता दी। भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।